चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 सूर्यान की तैयारी पूरी कर ली है। सूर्यान को जल्द ही 2 सितंबर के दिन सूरज की सफल उड़ान के लिए रवाना कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य सूरज के विकिरणों की स्टडी करना है। लेकिन अब सवाल आता है, सूरज तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो यह सूरज का सामना कैसे करेगा और सूरज पर कैसे जाएगा? तो हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारा सूर्यान पृथ्वी से 10.5 लाख किलोमीटर दूर पर जाकर सूरज की स्टडी करेगा। दोस्तों, पृथ्वी से 10.5 लाख किलोमीटर की दूरी इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस दूरी पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पर बराबर कार्य करता है, जिससे कि किसी भी यान पर नेट गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि सूर्ययान की तैयारी पूरे तरीके से पूरी हो चुकी है, यानी कि अब वह सूरज की सफल उड़ान के लिए तैयार हो चुका है और 2 सितंबर के दिन श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत का यह पहला मिशन होने वाला है जो कि सूरज की तरफ जाकर सूर्य की स्टडी करेगा। दोस्तों, ये मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि बात करें तो नासा ने कई सूर्य मिशन कर लिए हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे खोजने के लिए भारत देश आदित्य मिशन को लॉन्च करने जा रहा है? जानने के लिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। इसके लिए सबसे पहले आपको इस मिशन का उद्देश्य समझना होगा। आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंजियन बिंदु पर भेजा जाना है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां 2 वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। यहां एक छोटी वस्तु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत संतुलन में रह सकती है। आदित्य L1 का उद्देश्य सौर कोरोना यानी सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान का कारण के बारे में पता लगाना है। साथ ही सूरज के कारण होने वाले शक्तिशाली विस्फोट के बारे में पता लगाना है। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर को किया जाएगा। इसके लिए सुबह 11:50 का समय तय किया गया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। भारत का आदित्य L1 अभियान सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य सुलझाएगा। इससे पहले इसरो ने मंगलवार को आदित्य L1 से लैस लॉन्च व्हीकल PSLV-C57 की तस्वीरें साझा की। लॉन्च व्हीकल PSLV-C57 को श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया गया है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में 1.5 महीने लग गए थे, लेकिन सूर्ययान का सफर इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि सूर्ययान को 10.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाना है, जबकि चंद्रयान 3 को लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर जाना था। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान यह 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षाओं से गुजरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में 5 लैग्रेंजियन बिंदु हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में परिभाषित किया गया है। अब सवाल आता है, सूर्य का अध्ययन लैग्रेंजियन बिंदु से ही क्यों किया जाना है? क्या किसी और स्थान से सूर्य का अध्ययन नहीं किया जा सकता? इसके लिए आपको बता दें कि लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपयोगी है क्योंकि यहाँ कम ऊर्जा वाली कक्षाएं होती हैं। इसके साथ ही इस बिंदु से अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों को आसानी से देखा जा सकता है। सूर्य पृथ्वी के किसी भी अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु से लगातार सूर्य का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर सूर्य और पृथ्वी के बीच L2 बिंदु से दूरबीनों के जरिए गहरे स्थान का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है। L4 और L5 बिंदु पर क्षुद्र ग्रह होते हैं
जो सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की कक्षा को साझा करते हैं। सूर्य कई ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंग दैर्ध्य में विकिरण या प्रकाश छोड़ता है। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और उसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी ही कणों और क्षेत्रों सहित कई हानिकारक तरंग दैर्ध्य विकिरणों को रोकती है। क्योंकि कई विकिरण ऐसे हैं जो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए सूर्ययान के उपकरण ऐसे विकिरण का पता नहीं लगा पाएंगे। इसी वजह से इन विकिरणों पर आधारित सौर अध्ययन भी नहीं किए जा सकते। हालांकि ऐसे अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष से अवलोकन करके किए जा सकते हैं। इसी प्रकार एक सवाल उठता है कि सूर्य से निकलने वाले वायु के कण और चुंबकीय क्षेत्र ग्रहों के बीच अंतरिक्ष से कैसे यात्रा करते हैं। इसे समझने के लिए एक ऐसे बिंदु से अध्ययन किया जाना चाहिए जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बहुत दूर है। इन्हीं प्रभाव के कारण अंतरिक्ष में सूर्य की किरण गमन कर पाती है। आपके मन में भी सूर्य को लेकर कई सारे सवाल उठते होंगे कि यदि सूरज न होता तो क्या होता, सूर्य किस आकार का है, ये सारे ग्रह सूर्य के चक्कर क्यों लगाते हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको सूर्य से जुड़े कुछ रोचक बातें बताते हैं जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। असल में सूरज एक तारा है जो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा है। आग के इस विशाल गोले में 70% से अधिक हाइड्रोजन गैस और 26% तक हीलियम मौजूद है। सूर्य आकार में इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे सैकड़ों या उससे भी अधिक ग्रह समा सकते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। साथ ही ये हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल पिंड है। सूरज का व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के मुकाबले देखा जाए तो यह लगभग 109 गुना बड़ा है। हमारे ब्रह्मांड में सूरज जैसे खरबों या उससे भी अधिक पिंड मौजूद हैं। सूर्य का जो प्रकाश हमें धरती पर मिलता है, इसे पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की सतह से पृथ्वी की ओर आने के लिए रॉकेट की शुरुआती गति 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। आग के इस गोले के अंदर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। सूरज पृथ्वी से करीब 13,00,000 गुना बड़ा है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से 27 गुना ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी आकाशगंगा में करीब 5% तारे ऐसे हैं जो सूर्य के मुकाबले ज्यादा चमकदार हैं। सूर्य केवल गैसों से बना हुआ एक पिंड है, ये पृथ्वी या किसी और ग्रह की तरह ठोस नहीं है। दोस्तों, आप सभी लोग आदित्य मिशन के सफल होने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें, जिससे कि हमारे वैज्ञानिकों को भी काम करने का मनोबल मिलता रहे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।